गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज ज़रा एनर्जी लेवल जो है वो ज़रा ऑफ द रूफ हैं, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा सोया। एज यू सॉ आई वाज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, क्योंकि वर्कआउट था, शूट था, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। मगर आज जो है, बिकॉज मैं कम से कम 9-10 घंटे सोया हूँ, तो आज जो एनर्जी लेवल है ओह नेक्स्ट लेवल। एंड ऊपर से आई फाउंड दिस टी शर्ट, ठीक है, ये ऑनलाइन मेरे को देखी थी एंड मेरे को इतनी पसंद आई थी, एंड उसके बाद जो इसका फिट था वो भी बहुत अच्छा आ गया। वैसे डोल देख रहे हो, डोल्स, ठीक है, ये भी आ गए। तो जब अच्छी क्लोथ्स, अच्छी फिट होती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो इफ़ यू गाइस लाइक दिस टी शर्ट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ये कोई स्पॉन्सर वॉन्सर्ड पोस्ट वोस्ट नहीं है, ऐसा कुछ मेरे को अभी कौन स्पॉन्सर करेगा, बट आई जस्ट जनरली लाइक दिस, आई लुक गुड इन इट एंड आई थिंक यू गाइस विल लाइक इट एज वेल, तो दैट्स व्हाई आई एम लीविंग इट फॉर यू गाइस। एंड आज मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ खास करने को नहीं है, क्योंकि इट्स अ ऑफ डे टुडे फॉर मी, एंड थोड़ा सा कॉन्टेंट आपको दिखाता हूँ कि क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिंग वैल्यू एज ऑलवेज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो काफ़ी लोगों ने कॉमेंट में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार दे रखा है मेरे को, आई एम शॉक्ड। मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई नेगेटिव कुछ बोले और एनीथिंग, बट एंड आई एम स्टार्टिंग इट आउट, यू नो, तो बहुत ज़्यादा लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आई एम स्टार्टिंग इट आउट। शायद मैं ज़्यादा रैम्बल कर जाऊँ, शायद मैं कम बोलूँ, शायद उतनी क्वालिटी ना हो जितना पिछला व्लॉग अच्छा हो, एंड सो ऑन, बट आई एम स्टिकिंग टू माई कमिटमेंट ऑफ मेकिंग अ डेली व्लॉग फॉर यू गाइज। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि आप स्किन केयर के ऊपर बोलो, स्किन केयर रूटीन के बारे में बताओ, एंड सो ऑन। सो अभी मैं नहा चुका हूँ, बाल भी मैंने ठीक नहीं करे, सो आई एम थिंकिंग आई शो यू हाउ आई गेट रेडी फॉर गोइंग आउट, इफ़ आई हैव टू गो आउट जस्ट फॉर अ डे आउट, ठीक है, तो मैं क्या क्या करता हूँ राइट आफ्टर अ शावर, सो लेट्स गो। तो गाइज वेलकम टू माई वॉक इन क्लॉसेट। तो यहाँ पे मैं आकर के तैयार होता हूँ, एक दिन मैं आपको इसका भी टूर दूंगा, मगर अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। बट नाउ कमिंग टू द स्किन केयर रूटीन एंड हेयर केयर, हाउ आई गेट रेडी टू गो आउट, ओके। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिकॉज आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मेरे को बहुत सारे ब्रांड्स प्रोडक्ट्स भेजते हैं और बोलते हैं कि आप ये ट्राई करो, एंड सो ऑन, एंड ओनली द वंस दैट आई फील कि यस दे वर्क, दो आर द वंस दैट आई ब्रिंग टू द ऑडियंस, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि भाई बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्राइस रेंज में डिपेंडेंट होते हैं, कुछ बहुत सस्ते होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो एक बहुत एक्सपेंसिव वाले हैं वो ही सबसे बेस्ट हैं, बट ये भी, इसमें भी सच्चाई है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती है उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च भी जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे टाइप के इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, इस वजह से दे आर स्टिल अ लिटिल बिट बेटर फॉर योर स्किन। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बिल्कुल जो सस्ते वाले हैं वो बहुत ही ख़राब हैं और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं। तो लेट्स स्टार्ट कि अगर आपको पहला चीज़ जो फेस वॉश, जो कि मैं कर चुका हूँ क्योंकि मैं शावर के टाइम पे ही फेस वॉश कर लेता हूँ, तो उसके लिए फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द चीपर ऑप्शंस में द वंस दैट आई हैव ट्राइड एंड आई जेन्युइनली लाइक देम, दे नॉट दैट बैड। एक तो ये है गार्नियर का एक्नोफाइट पिंपल कॉजिंग जर्म्स वाला, पिंपल कॉजिंग जर्म्स वाला नहीं, एक्नोफाइट दैट फाइट्स द पिंपल कॉजिंग जर्म्स, वो, एंड देन दिस पॉन्ड्स मैन ऑयल क्लियर फेस वॉश। सो दिस इज द थिंग। नाउ मेन थिंग इज कि जब आप ये सारे प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हैं, पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है। तीन टाइप की स्किन होती हैं, ऑयली, ड्राई या कॉम्बिनेशन। मेरी कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब कि मेरा जो टी जोन है वो ज़रा ऑयली हो जाता है, तो मैं जो प्रोडक्ट्स ट्राई करता हूँ और जो बाय करता हूँ वो सारे मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है, और वैसे ही आपको चूज़ करने चाहिए, क्योंकि आप गलत टाइप का प्रोडक्ट ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे और ज़्यादा बुरा इफेक्ट आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर कूल थिंग। तो एक ये ब्रांड ने मेरे को भेजा था, यूफ, ओके, यूफ स्किन केयर। दिस इज अबाउट 600 something rupees फॉर इतना सा ट्यूब, बट इट इज अ फोमिंग क्लेंजर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। दिस इज अमेजिंग बिकॉज इट्स गॉट वाइल्ड रोज इन इट, एंड दिस वन वॉज वेरी नाइस एंड वेरी लाइट। एंड द वन दैट इज माई करंट फेवरेट दीज डेज, ठीक है, इज दिस वन फ्रॉम स्किन क्राफ्ट। दिस इज डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड एंड सो ऑन। दिस इज अबाउट 500 rupees और सो, एंड दिस इज द वन दैट आई रियली लाइक बिकॉज इट्स गॉट अ वेरी वेरी थिन टेक्स्चर, तो बहुत लाइट है आपकी स्किन पे, यू नो, इट डजंट टेक आउट द मॉइस्चर, एंड दैट्स द मेन थिंग अबाउट मोस्ट फेस वॉशेज, दैट यू नो दे समहाउ एक्सट्रैक्ट, बिल्कुल ड्राई कर देते हैं आपकी शक्ल को, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड और एनी थिंग ऑन एनी लेवल एंड सो ऑन। दिस इज द दिस वन स्किन क्राफ्ट इज द वन दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ, आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। और
Now let's move on to the next step, which is moisturizing, right? Moisturizing is very, very important because आपने जैसे अपना फेस वॉश कर लिया, राइट? अब आपकी फेस को भी एक हाइड्रेशन चाहिए होती है, उसके लिए आपका फेस मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ अगेन द वन दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज फ्रॉम स्क्रीनक्राफ्ट, क्योंकि ये दोनों एक कॉम्बिनेशन में आया था, फेस वॉश एंड दिस थिंग. इसका मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी मॉइस्चराइज नहीं करा है तो आपके सामने ही कर लूंगा. पहली बार मैंने देखा कि मॉइस्चराइजर जो है वो एक स्प्रे की तरह से आता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना लाइट है. सो लेट्स डू, यू आर सपोज टू डू बस इतना सा एंड जस्ट पैट इट ड्राई ऑन योर फेस. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट डजंट हैव एनी स्मेल, कुछ भी नहीं है, कोई परफ्यूम नहीं है, कुछ नहीं है. सो इट्स वेरी गुड. जैसे मैंने कहा कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने अगर प्रूव कर रखा है तो ठीक ही होगा प्रोडक्ट, राइट? एंड सो फार आई फील वेरी गुड एंड वेरी लाइट, इट डजंट मेक माई स्किन एक्स्ट्रा शाइनी एंड सो ऑन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट when it comes to your skin care routine, वो है sunscreen लगाना. क्योंकि guys हम India में रहते हैं, यहाँ पे sun बहुत harsh है, तो UV rays are very harsh, और वो UV rays जो है वो आपकी skin को बहुत बुरी तरीके से damage कर सकते हैं if you do not apply sunscreen. Now the main thing is इसमें भी आपको आपकी skin type के according use करना है. अगर आपकी बहुत ज़्यादा oily skin है तो try to use some matte texture वाले sunscreen. द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसमें SPF आपका 50 प्लस होना चाहिए, एंड इसमें जो स्पेक्ट्रम है वो UVA एंड UVB स्पेक्ट्रम दोनों होना चाहिए. तो ये वाला मैं Brinton कंपनी करके है, ये आपको अपने आपके केमिस्ट के पास भी मिल जाएगी. दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज लाइक 500 रुपीज, एंड दिस थिंग विल लास्ट यू वेरी लॉन्ग टाइम. क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं लगाना, आपको सिर्फ इतना सा लेना है, राइट? Rub it in, apply it on your face, a little on your neck, your ears. Abhi ears pe laga nahi pa raha hu kyunki mere earpods lage hain, but idea is that you just rub it in. Now I've added the sunscreen. अब एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आप सनस्क्रीन लगाते के साथ ही सीधा बस बाहर सन में भाग मत जाइए, ठीक है? अलाउ इट टू सेटल इन साइड योर स्किन, ओके? गिव इट एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर गोइंग आउटसाइड इन टू द सन, because that works better for you as well. तो ये हुआ हमारा face care routine. और आप मैंने जैसे कहा था कि अब हम hair भी करेंगे, तो face का जब हमने अब कर लिया है, ठीक है? और मैंने वो पहले इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारा जो भी स्किन केयर का जो रूटीन है, फेस पे जो भी लगना है वो फेस पे पहले लग जाए. क्योंकि अगर आप बालों को पहले करोगे तो आप वैक्स लगाओगे, हेयर स्प्रे लगाओगे, जो भी लगाओगे, कहीं वो सेम चीज़ जो है वो अगर आप उसके बाद फिर फेस का काम करोगे तो वो से जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस ट्रांसलेट हो सकते हैं आपकी फेस के ऊपर. तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. एंड इन जनरल गाइज, एक बहुत बड़ा टिप है, अपने हाथों को अपने फेस से दूर रखें थ्रू आउट द डे, बिकॉज आपके हाथ हर जगह जाते रहते हैं, और फिर अगर आप अपने फेस को छूएंगे, स्क्रैच करेंगे, जो भी करेंगे, उससे पिंपल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, एंड यू कैन गेट अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज वेल. अब क्योंकि मैं सुबह से शावर ले चुका हूँ, स्टफ मेरे बाल थोड़े से ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा ज़रा इसको वेट कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ आई स्टाइल माई हेयर. एंड दिस इज हाउ माई, अब मेरा जो हेयर कट हुआ है ना, इसका बेनिफिट ये है कि अपने आप से ड्राई होकर, मैंने ब्लो ड्राई वो ड्राई कुछ नहीं करता, वो अपने आप एक टाइप के स्टाइल पे आ गए थे. और वो दिखाता है आपको कि आपके हेयर कट का इम्पोर्टेंस क्या है. क्योंकि अच्छा अगर आपका हेयर कट है तो आपको बहुत ज़्यादा स्टाइल करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो अब जैसे मैंने ये कर लिया है, आपको मेरा फाइनल लुक जो है वो अब थोड़ा बहुत पता चल गया पिछले दो वीडियोज में से. सो थोड़ा बहुत मैंने वेट कर लिया इसमें, और अब हम लोग ट्राई करेंगे ब्लो ड्राइंग. और ब्लो ड्राइंग में गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको कूल सेटिंग पे रखें एंड नॉट गो वेरी हाई ऑन द हीट. तो मैंने बिल्कुल जीरो पे कर रखा है, आई कैन टेक इट अप टू 3 बट आई कीप इट एट 0. आप देख सकते हैं सिर्फ ब्लो ड्राइंग करके मैंने अपना हेयर स्टाइल अचीव कर लिया है. वैसे छोटे हैं अभी तो ज्यादा हिलेंगे भी नहीं एंड एवरीथिंग, बट द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर इज टू, मेरा वैक्स कहाँ गया? फाउंड माय वैक्स. एंड नाउ गाइस, सो दिस वन, द रीजन आई यूज अ वैक्स इज सो दैट आई कैन गेट लाइक अ मैट लुक. आई डोंट वॉन्ट टू डू अ वेट लुक. इफ आई वॉन्ट टू डू अ वेट लुक आई वुड हैव टेकन अ पोमेड, ठीक है?
So for this current look, how I get ready is I just take a little bit. And important thing is ki wax ko अच्छी तरीके से रब करना होता है ताकि आप हीट इसमें जनरेट करें और बिल्कुल मतलब कुछ रहे ना आपके पाम के अंदर लाइक सो एंड स्टार्ट फ्रॉम द बैक ताकि आगे जो है बिल्कुल आपके बाल जो है कड़े से ना हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लग गया है और एंड आगे अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लग जाता है तो फिर थोड़ा ऑड भी लगता है एंड यू नो थोड़ा चांसेस है कि आपके हेयर नीचे फ्लंप भी कर जाए तो गाइस दिस इज pretty much over and done. This is my hairstyle. So this, and then the final thing, if it's a long day, you're out or something, you can use a hairspray. I'm not going out anywhere, so I will try to avoid as many products as I can. So this is the main thing. Now, the most important thing, guys, jab aap pura din apna karke aa jao, aapke baalon pe, face pe, jo bhi laga hua hai, remove all of it before going to bed. सबसे अच्छी आदत है कि अगर आप सो जाए रात को नॉट सो जाए सो रात को सोएंगे ही बट या बट व्हाट आई मीन इज कि अगर आप रात को अगर शावर ले लें तो वो बेस्ट चीज़ होती है यू आर ऑल क्लीन एंड एवरीथिंग एंड यू आर नॉट स्लीपिंग विद प्रोडक्ट्स इन योर हेयर आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वन ऑलराइट ऑन टू द नेक्स्ट तैयार शैयार तो हो गए मगर कहीं जाने को तो है नहीं ये क्या मतलब हुआ विंटर सन गॉड एवरीबडी इज एडिक्टेड टू टर्किश शोज लाइक एनीथिंग आई स्वेयर गाइस आजकल सब लोग मैं देख रहा हूँ सब मम्मीज डैडीज आंटीज नहीं सब मम्मी डैडी भाई बहन सो सब लोग जो हैं वो टर्किश टीवी शोज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड आई हैव ओनली सीन थोड़ा बहुत बट एक्टिंग इज एक्चुअली क्वाइट गुड एंड आई डोंट ब्लेम देम Also, so let me know if you guys are watching some interesting Turkish show in the comments. I'll definitely try to check that out. और अब जरा काम कर लेते हैं. So I'm gonna do finish some work, important work related mails and so on. We'll do that and then we're gonna hit the gym. So guys, I'm ready for the gym and again today's workout is going to be one heavy ass one. So I'm gonna get right to it क्योंकि अब रात हो गई है almost 8 बज चुके हैं. So I need to finish this workout अगर फिर से दो घंटे लग गए तो वॉट लग जाएगी बट टिल देन गाइज थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग एंड आई एम वॉचिंग एंड आई एम रिस्पॉन्डिंग टू ऑल द कॉमेंट्स दैट यू गाइज हैव बीन गिविंग टिल नाउ एंड दे आर फिल्ड विद पॉजिटिविटी एंड दैट्स व्हाट आई लव एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रीच टू एवरीवन टू जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी ओवर हियर तो टिल द आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग एज इन टुमारो बिकॉज आई एम डूइंग दिस एवरी डे नाउ तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड टिल देन अगर पसंद आए तो यार अपने दोस्तों को दिखा दो लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो अब तो रोज़ रोज़ आ ही रहा ठीक है ओके सी यू बाय